तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मंतेश सिंह गौड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि F-35 को हमारा देश क्यों नहीं खरीद सकता और क्यों हमें अमेरिका ये एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगा। और इसके साथ ही हम तेजस मार्क 1A की 83 फाइटर जेट्स की डील के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बार मैं कमेंट्स में देखता हूं कि बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि हमें F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए और हमें ये एयरक्राफ्ट राफेल से सस्ता पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसे MMRC टेंडर में राफेल की बजाय खरीद लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मुझे लगता है कि इनके कारण हमें ये एयरक्राफ्ट ना तो मिलेगा और ना ही हम इस एयरक्राफ्ट को अच्छी तरह ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमें रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। ये एक बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसकी लॉन्ग रेंज यानी कि इसकी 400 किलोमीटर की रेंज होने के कारण इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा लीथल मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें ट्रैक करके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने पहले देखा कि अमेरिका अपना F-35 एयरक्राफ्ट टर्की को बेचने वाला था, लेकिन जब टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया तो अमेरिका ने उसे F-35 एयरक्राफ्ट बेचने से मना कर दिया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कैडसा के नाम पर एक बिल भी पास किया था जिसके अंदर जो भी देश अगर रशिया से इक्विपमेंट खरीदता है तो उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा। यही एक बड़ा कारण है कि अमेरिका अपना F-35 एयरक्राफ्ट टर्की को नहीं बेच रहा। और एक दूसरा बड़ा कारण ये है कि अगर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा तो इससे अमेरिका की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में रशिया को भी पता चल जाएगा। अगर हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम या किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो उसे फाइटर एयरक्राफ्ट या दूसरे एसेट्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि वो अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट और दुश्मन के एयरक्राफ्ट के बीच में पहचान कर सके, जैसे कि फ्रेंड और फो सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम की मदद से जंग के दौरान कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, तो इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम गलती से अपने ही एयरक्राफ्ट को निशाना ना बना ले। और अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को F-35 के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इसके बारे में डेटा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ शेयर करना होगा, जिससे F-35 का सीक्रेट डाटा लीक हो सकता है। और क्योंकि रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाता है तो इसे रशिया को भी इसके RCS यानी कि डार्क क्रॉस सेक्शन के बारे में सही जानकारी लीक हो सकती है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका अपने किसी भी एयरक्राफ्ट को किसी भी रशियन सिस्टम के साथ इंटरफेस नहीं करना चाहता। जब हमारी अमेरिका के साथ एक्सरसाइजेस भी होती हैं तब भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट इतनी सावधानियां बरतते हैं कि उसके बारे में डाटा लीक ना हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कॉस्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट को खरीदना तो सस्ता है लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत महंगा है। अगर हम F-35 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इसके बारे में ऐसी धारणाएं हैं कि इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट तो कम है लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा होगी। इसके बारे में लॉकहीड मार्टिन बहुत दावा तो करता है कि ये पुराने जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम कॉस्ट वाला है और इसे मेंटेन करने में कम कॉस्ट लगती है, लेकिन फिर भी कुछ डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। यही कारण है कि अमेरिका अभी भी अपने 4.5 जनरेशन और 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इतनी बड़ी गिनती में वो ऑपरेट और मेंटेन नहीं कर सकते। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इनके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग की जाती है जिसकी मदद से इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जाता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्टेल्थ कोटिंग को रिपेयर किया जाता है। इसके बारे में ऐसी धारणाएं हैं कि इन एयरक्राफ्ट को हर उड़ान भरने के बाद इनकी स्टेल्थ कोटिंग को फिर से रिपेंट करना पड़ता है और रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्हें हर सॉर्टी के बाद रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन ये तो पक्का है कि इन्हें रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेल्थ कोटिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो बेसिक स्टेल्थ कोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, यानी कि ये आसानी से नहीं उतरती। इसे पेंट के साथ कवर किया जाता है जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह भी है कि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट और F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट में वेपन बेस होते हैं और लैंडिंग गियर बेस होते हैं जो कि खुलते रहते हैं, जिनके कारण उनकी जो एजेस होती हैं वो वियर एंड टियर का शिकार हो सकती हैं, जिसके कारण वहाँ पर स्टेल्थ कोटिंग कम हो सकती है। इन सिस्टम्स के ऊपर जो स्टेल्थ सील्स लगी होती हैं वो हर बार खुलने और बंद होने के कारण वियर एंड टियर का शिकार होकर कम स्टेल्थी हो सकती है। इसके साथ ही आपके एयरक्राफ्ट में लैडर एक्सेस होता है, फ्यूल एक्सेस होता है और दूसरे कई तरह के कॉमन मेंटेनेंस पैनल्स होते हैं जिन्हें कि ऐसे बनाया गया है कि इन्हें रेगुलरली खोला जा सके,
लेकिन चाहे कि इन्हें इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें वेयर एंड टीयर हो सकता है और उनकी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने वाली कोटिंग कम हो सकती है और उतर सकती है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में दूसरे पैनल्स होते हैं जैसे कि इंजन बे डोर्स। इस तरह के लो एक्सेस पैनल्स जिन्हें कि बहुत कम खोला जाता है, इनमें जनरली बेटर स्टेल्थ सील होती है, लेकिन इनके एक बार खुलने के बाद इन्हें रीसील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। किसी एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी बनाना तब बहुत आसान होगा अगर उसमें इंटरनल वेपन बेस या दूसरे सिस्टम ना लगे हों जिन्हें रेगुलरली खोला या बंद किया जाना हो। लेकिन जिस एयरक्राफ्ट में ऐसे सिस्टम लगे होते हैं उनमें नॉर्मल वियर एंड टेयर की प्रॉब्लम तो आती ही है और उनमें स्टेल्थ कोटिंग को रिपेयर भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि शुरुआती स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो थे उससे लेकर अभी तक स्टेल्थ कोटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और अब नई स्टेल्थ कोटिंग बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं। F-35 एयरक्राफ्ट के साथ एक ये भी प्रॉब्लम आती थी कि इसकी स्टेल्थ कोटिंग में बबल क्रिएट हो जाते थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर उड़ने पर पैदा होते थे। और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के बारे में कहा जाता है कि जब इसे सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ाया जाता है तो इसकी स्टेल्थ कोटिंग उतरनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तीसरा सबसे बड़ा कारण, ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं हो सकता और अमेरिका भी हमें ये एयरक्राफ्ट बेचने से कतराएगा, वो है इसका मेडल सिस्टम, यानी कि इसका मल्टीफंक्शन एडवांस्ड डाटा लिंक। दोस्तों, F-35 एयरक्राफ्ट के मिशन सिस्टम्स इसके मिशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसमें बहुत ज़्यादा रोबस्ट और एडवांस कम्युनिकेशन सुइट लगे हुए हैं जो कि आज तक के किसी भी एयरक्राफ्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड। F-35 एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट्स के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती हैं। ये एक पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को पजेस करता है, जो कि इतनी केपेबल है कि ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड और फ्यूज्ड सेंसर सुइट है, जिसके कारण F-35 एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंटीग्रेटेड पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बाकी के एयरक्राफ्ट से मिले डाटा के इस्तेमाल से पूरी बैटलफील्ड की एक बड़ी पिक्चर क्रिएट की जा सकती है, जिसके इस्तेमाल से F-35 एयरक्राफ्ट का पायलट बहुत लंबी दूरी तक देख सकता है और बहुत लंबी दूरी से टारगेट का पता लगा सकता है। इस सिस्टम की मदद से पायलट एक दूसरे के साथ डेटा को ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं। ऐसी डाटा शेयरिंग के लिए मॉडर्न डाटा लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन डाटा लिंक्स के इस्तेमाल से F-35 एयरक्राफ्ट किसी भी और उड़ रहे एयरक्राफ्ट के साथ डाटा को शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही दूसरे एयरबॉर्न सरफेस एंड ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ भी डाटा शेयर कर सकते हैं। ऐसे डाटा लिंक्स का नाम मल्टीफंक्शनल एडवांस डाटा लिंक रखा गया है। नॉर्थ्रॉप ग्रूमन ने MADL बनाया है, जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट दूसरे प्लेन्स के साथ ऑटोमेटिकली सिचुएशनल अवेयरनेस डाटा शेयर कर सकता है। मेडल एक हाई डाटा रेट डायरेक्शनल कम्युनिकेशन लिंक है, जिसकी मदद से सिक्योर ट्रांसमिशन किया जा सकता है और इसकी मदद से दूसरे 5th generation एयरक्राफ्ट या कम जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट के साथ टैक्टिक्स और एंगेजमेंट डाटा को शेयर किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई बार जंग के दौरान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपना खुद का रडार बंद कर दूसरे एयरक्राफ्ट के रडार के इस्तेमाल से टारगेट को ढूंढ सकते हैं। सोचिए, अगर F-5th generation एयरक्राफ्ट और 4th generation एयरक्राफ्ट इकट्ठे उड़ रहे हों तो क्योंकि F-35 एयरक्राफ्ट रडार से अदृश्य होगा तो ये अपने रडार का डाटा दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ शेयर कर सकता है और दूसरे एयरक्राफ्ट अपना खुद का रडार बंद कर इसके लॉन्ग रेंज रडार की मदद से बहुत लंबी दूरी तक स्कैन भी कर पाएंगे और अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा पाएंगे। ऐसी कैपेबिलिटी का होना इस एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर एयरक्राफ्ट और रडार सिस्टम रशियन ओरिजिन के हैं, तकरीबन एस्टिमेट किया गया है कि हमारे पास जो भी सिस्टम मौजूद हैं उनमें 70% सिस्टम रशियन हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि F-35 एयरक्राफ्ट के डाटा लिंक को दूसरे एयरक्राफ्ट और दूसरे सिस्टम्स के साथ शेयर किया जा सके, क्योंकि अमेरिका इसे कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और अगर हमें ऐसी कैपेबिलिटी नहीं मिलती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा और जो फायदे हमें ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ मिलने हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो एक ऐसे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट के ऊपर इतना खर्चा करना जिसकी पूरी कैपेबिलिटी भी हमें नहीं मिलेगी, वो एक अच्छी चॉइस नहीं है। तो ये तो हो गई F-35 एयरक्राफ्ट के बारे में बात। इसके साथ ही HAL का कहना है कि वो अभी भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अप्रूवल की वेट कर रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि उसे अभी तक LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी भी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिली है। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसे कि इंडियन एयर फोर्स को सप्लाई किया जाना है। ऐसी खबरें आई थी कि इसके लिए डील अभी तक फाइनलाइज हो गई है, जो कि 38,000 करोड़ के ऊपर एस्टिमेट की गई है, जो कि HAL के साथ साइन की जानी है। यह डील पूरी तरह तैयार है, बस इसे एक फाइनल अप्रूवल मिलना ही बाकी है। HAL का कहना है कि उन्हें कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया था, लेकिन इसे COVID-19 सिचुएशन के कारण, यानी कि चाइनीज वायरस की सिचुएशन के कारण अभी डिले कर दिया गया है।
और अभी कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इसके लिए अप्रूवल उन्हें फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में मिल जाएगा। HL-283 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है जिसके लिए उन्हें अप्रूवल की जरूरत है, जिसके बाद वो इन एयरक्राफ्ट को सप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसकी सप्लाई 2023 से पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 36 मंथ्स के अंदर अंदर। इसके साथ ही तेजस का एक और वेरियंट यानी कि तेजस मार्क 2 वेरियंट अभी डिजाइन स्टेज में है, जो कि पहले से मौजूद तेजस वेरियंट से ज्यादा एडवांस्ड होगा। इसके साथ ही तेजस मार्क 1 ए के फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन वाले वेरिएंट के ऊपर बात करते हुए HL के चेयरमैन का कहना है कि इसकी मेंटेनेंस को भी और ज़्यादा कम कर दिया गया है और जो इसके ऊपर वक्त लगता था उसे और कम कर दिया गया है। इसके साथ ही HL का चेयरमैन का कहना है कि 16 ऐसे और फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट बहुत जल्द सप्लाई कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि हम बहुत जल्द तेजस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर से बढ़ाकर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर कर देने वाले हैं। इसके साथ ही एयर चीफ कमांडर ऑफ सदर्न एयर कमांड अमित तिवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है और उनके पास जरूरत के मुताबिक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।